डियर लाना, ये आज का आपका एडिशनल टास्क है। इस टास्क में ये करना है आपको कि ये जो आपका index.html का फ़ाइल है, इसमें यानी कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का जो फ़ाइल है, इसमें जितने भी वीडियोस आपने प्रैक्टिस किए हैं और करेंगे उनकी हाइपरलिंक्स बनानी है, और ये सभी हाइपरलिंक्स ऑर्डर्ड लिस्ट के फैशन में होंगी। तो इसे करने के लिए सबसे पहले हम हमारी index.html की फ़ाइल में जाकर बॉडी टू बॉडी के बीच में जो चीज़ें हैं उन्हें सेलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद ये सभी सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे मैं फिर से सेलेक्ट कर रहा हूँ, बॉडी से बॉडी तक के बीच की चीज़ों को सेलेक्ट करके बैक स्पेस कर दिया हमने। तो ये देखो हमारा बॉडी का एरिया फ्री हो गया। अब इसके अंदर चीज़ों को बनानी है। इनकेस अगर सभी आपसे गलती से इरेज हो जाता है तो या तो आप अंडू कर लो, या तो HTML5 स्निपेट, ऐसे HTML5 लिखकर ये जो स्निपेट है इसको टच कर लेना, तो आपका वो पूरा चीज़ फिर से आ जाएगा। यहाँ पे मैं अंडू कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या लिखो कि एक ऑर्डर्ड लिस्ट बना लो। तो OL स्निपेट से हमने ऑर्डर्ड लिस्ट बना ली। अब इसमें हमारा पहला जो लिस्ट आइटम होना चाहिए वो है वीडियो नंबर 5। अभी लिस्ट आइटम इससे पहले हमने क्या किया था, एक ही लाइन में रखा था। आप इस लिस्ट आइटम को भी इस तरीके से ऊपर नीचे कर दो। अब ये पहला लिस्ट आइटम है और इसके अंदर हमें वीडियो नंबर 5 का हाइपरलिंक बनाना है। हाइपरलिंक बनाने के लिए हम एंकर टैग यूज़ करते हैं, ए टैग, जिसे हम पढ़ चुके हैं। तो ए स्निपेट पे आपने टच किया तो हमें हमारा जो हाइपरलिंक होगा उसका टेक्स्ट होना चाहिए वीडियो 5 का जो टाइटल था। YouTube पे वीडियो 5 था हमारे, ये था हमारा सेंटर एंड एचआर टैग्स। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हैशटैग को इरेज करके सेंटर एंड एचआर टैग्स। सेंटर की स्पेलिंग में टी के बाद ई आर होता है, अभी भी कुछ लोग कंफ्यूज हैं तो ध्यान दीजिएगा उस पर। तो ये तो टेक्स्ट हो गया, इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो ये आउटपुट आ गया हमारा, पहला लिस्ट आइटम है सेंटर एंड एचआर टैग। लेकिन इस हाइपरलिंक पर टच करने पर कुछ हो नहीं रहे क्योंकि अभी तक हमने अपने कोड में href की वैल्यू बताई नहीं है। तो ये होना चाहिए वीडियो 5। तो हमने वीडियो 5 की फ़ाइल को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब अगर आउटपुट देखें और इस हाइपरलिंक पर टच करें तो ये वीडियो 5 का आउटपुट ऐसे आ गया। अब आपको इसी तरीके से क्या करना है, लिस्ट आइटम का टैग जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ कर्सर रख के एंटर करेंगे और अगला लिस्ट आइटम बनाएंगे, और फिर इसे भी एंटर करके नीचे ले जाएंगे। यहाँ पे हमें ये टैग एंकर टैग का स्निपेट देना है और फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा वीडियो 6 लिखना है, वीडियो 6 का टाइटल जो कि है टैग वैल्यूज़ एंड एट्रीब्यूट्स, टैग वैल्यूज एंड एट्रीब्यूट्स। और इसका जो हमारा हाइपरलिंक है, इसका जो हमारा href है वो है वीडियो 6। ठीक है, ये भी हो गया। अब इसी तरीके से हम जो अगला हमारा वीडियो था वीडियो 7, उसके लिए एक हाइपरलिंक बना लेंगे और यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा बॉडी टैग एंड एट्रीब्यूट्स, बॉडी टैग एंड एट्रीब्यूट्स। ठीक है, और यहाँ पे गलती से href में भी वही टाइप हो गया है, तो हम क्या करेंगे, उसे इरेज करके यहाँ पे वीडियो 7 लिख लेंगे। सजेशन नहीं दे रहे तो हमें मैनुअली टाइप करना होगा। मैनुअली जब टाइप करेंगे, ध्यान देना जो वीडियो 7 है वो यहाँ पे कैपिटल V से लिखा हुआ है, तो अगर हम स्मॉल V से वीडियो 7 लिखेंगे तो उसका आउटपुट दिखाई नहीं देगा हमें। तो ये केस सेंसिटिव है, जहाँ पे कैपिटल लिखा है वहाँ कैपिटल, जहाँ स्मॉल लिखा है वहाँ स्मॉल। तो वीडियो 7 यहाँ नीचे में, चलो सजेशन में अभी आ गया, वहाँ से हमने ले लिया। और अभी जो हमने बनाया ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए वीडियो 11, उसका लिंक li टैग लगा लिया।
और इसे भी एंटर किया, और इसके अंदर आके हमने ए टैग एंकर टैग को ऐड कर लिया। और ये तो हमारा ऑर्डर लिस्ट के बारे में, ये कुछ गड़बड़ी हो गई यहाँ पे, मैं अंडू कर लूँ। ये है हमारा ऑर्डर लिस्ट, तो ऑर्डर लिस्ट टाइप कर लिया। और यहाँ HRF एट्रीब्यूट में जाकर हमने वीडियो 11 टैप कर लिया। और अब अगर हम इसका आउटपुट देखें तो ये पूरा इस तरीके से ओपन हो रहा है। अगर हम टैग वैल्यूज़ एंड एट्रीब्यूट्स पे टैप करें तो उसका आउटपुट हमें इस तरह दिखाई दे रहा है। और ऑर्डर लिस्ट पर मैंने टैप किया तो अभी जो हमने बनाया था उसका आउटपुट हमें ऐसा दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, और इसे एग्ज़ाम में पूछा गया है, वो ये है कि वीडियो 11 में और जब भी हम li टैग बनाते हैं, li टैग यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये कंटेनर टैग है, लेकिन इसे आप इसकी क्लोजिंग टैग मत लगाओ। जैसे मैंने सॉलिड के बाद का क्लोजिंग टैग ख़त्म कर दिया, इसी तरह लिक्विड के बाद का क्लोजिंग टैग ख़त्म कर दिया, और गैस में भी पहले से नहीं इरेज़ किया हुआ है। तो क्या ये काम करेगा? क्या ये सही तरीका है? आउटपुट चेक करते हैं। यस, देखो सॉलिड लिक्विड गैस फिर भी काम कर रहा है। तो क्वेश्चन पेपर में आपका इस तरीके से आता है कि लिस्ट आइटम दिया रहता है, लेकिन li टैग लिस्ट आइटम li टैग का क्लोजिंग टैग इरेज कर दिया रहता है और कहता है कि आउटपुट बनाइए। तो स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, वहाँ पे क्या लिस्ट आइटम दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा? तो आंसर है हाँ, वो दिखाई देगा, क्योंकि वो सही कोड है। ये बस लिखने का एक और तरीका है। इट्स ऑल फॉर दिस वन।